है कि ललन सिंह से आप नाराज चल रहे हैं। बोले नाराजगी किसी से नहीं है, बेबाक हमारी जरूर बातें रही है। स्वर्ण सेना के नौजवान कभी कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग नहीं होते हैं। मैं सराफत इंसानियत को सम्मान करने वाले को मैं सम्मान करता। हमारे साथ हैं सूबे के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा अक्सर विवादों में रहते हैं, वजह है इनकी अपनी बेबाक राय। इनसे हम बात करते हैं। सर, आप बेगूसराय के प्रभारी मंत्री भी हैं, यहाँ से विधायक भी हैं, क्या देख रहे हैं सर जनता में आप? एक बहुत ही अच्छा माहौल है। पूरे देश के लोग जो सोच रहे हैं, बिहार उससे एक कदम बढ़ के सोचता है। और आज बिहार के अंदर जितना अच्छा वातावरण बना है कि हम सभी सीट जीतने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि हम विवादों में रहते हैं, तो मैं कभी विवाद में नहीं रहा हूँ। बेबाक हमारी जरूर बातें रही है। अगर जो हमने अपराधियों के प्रति सख्ती का वातावरण बनाया था और काउंटर की बात हमने किया था, तो आज हमारे DGP भी वही भाषा बोल रहे हैं। और बेगूसराय के अंदर काउंटर भी हुआ है। अपराधी जिस भाषा में सुनता है, समझता है, उस भाषा में हमारे पुलिस पदाधिकारी समझा रहे हैं। सरकार पुलिस पदाधिकारियों के मनोबल गिराने का काम कतई नहीं कर रहा है, तो ये विवाद नहीं है। आज स्वर्ण सेना के संदर्भ में हमने साफ कहा कि स्वर्ण सेना के नौजवान कभी कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, और वो राष्ट्र के एक प्रहरी के रूप में हमेशा आगे बढ़ के आज सीमा पर सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाले लोग हैं। और आज स्वर्ण सेना के नौजवान के हित में सरकार जब खड़ी हुई, 10% स्वर्णों को आरक्षण मिला, तो असली चेहरा सामने आ गया जो विरोध करने में लगे हुए थे। सर, कहा जा रहा है कि ललन सिंह से आप नाराज चल रहे हैं। NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था KRK मैदान में, वहाँ आप नहीं गए थे, आखिर क्यों? नहीं, मुझे नाराजगी किसी से नहीं है। मैं सराफत इंसानियत को सम्मान करने वाले को मैं सम्मान करता हूँ, और ऐसे गठबंधन के अंदर के सभी नेता का मैं सम्मान करता हूँ। और मैं बता दूँ कि हमारी जिम्मेवारी है बेगूसराय और लखीसराय, और बेगूसराय लखीसराय के बीच में माँ गंगा गुजरती है, उनका दोनों चरण दोनों तरफ है, और दोनों चरण का पूजा और सेवा और भक्ति और भाव हमारी जिम्मेवारी है। उस भाव के निर्वाहन में मैं कहें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। और जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, जो राम राम जपते हैं लेकिन हनुमान को ही समाप्त करने में लगे रहते हैं, ऐसे कालनेमी लोगों के बीच दूरी बढ़ाते हैं और नेता और कार्यकर्ता के खाई को बड़ा करने के प्रयास में रहते हैं, लेकिन वैसे लोग सफल नहीं होंगे। मैं कोई एक दो दिन से राजनीति नहीं, 33 वर्ष से राजनीति कर रहा हूँ, और आप इस क्षेत्र के सभी लोगों का स्नेह आशीर्वाद हमें मिला है। किसी की भावना को मैं आहत नहीं होने दूंगा। सबका साथ सबका विकास, लेकिन न्याय के साथ विकास। सर, आप लखीसराय से विधायक हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, और बेगूसराय के प्रभारी मंत्री भी हैं, क्या लग रहा है सर, दोनों सीट जो है वो NDA जीतेगी? हम दोनों ही सीट नहीं, 400 सीट जीतने जा रहे हैं। NDA पूरी तरह से सभी सीट बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है।